कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रंगवानी जी, अनिल जी. यस सर. आपने जो ये प्रेजेंटेशन किया हुआ है और श्रद्धा मैम ने भी जो प्रेजेंटेशन किया है, काफी यानी सराहनीय है. और आपका जो बताया आपने हमें, इससे ये बात निकल में आती कि हमारे 10 से 12 हजार रुपए पर लॉट के पीछे हमारे बचने वाले हैं. आराम से बराबर है. यानी जो हमारे हाथ से जाने वाले थे, जो पैसे हमको देना चाहिए था, तो वो हमारी कमाई हो रही है. यानी एक लॉट के पीछे हम लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं. यानी जब आपके पास हमने एक लॉट दिया तो उसके ऊपर 12 हजार रुपए प्लस हमको आज के डेट में प्लस मिल रहे हैं. ऐसा ही आपका है. दूसरा मुझे इसमें ये करना है, कहना था, और मैं मनीष सर के साथ बात करते हुए मुझे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष सर के, वो ही कर सकते हैं और आप उनको सपोर्ट कर सकते. आपने जो यहाँ पे डिलीवरी पॉइंट जो रखे हुए हैं, डिलीवरी पॉइंट महाराष्ट्र में दो ही डिलीवरी पॉइंट है. करेक्ट. एक यवतमाल और दूसरा जालना. करेक्ट. और दोनों भी डिलीवरी पॉइंट जो है, हमारा जो एरिया है जहाँ पे कपास अच्छा आता है, हमारा जो खारपान एरिया है यहाँ पे सलाइन ट्रैक एरिया, इसमें कपास यानी पहले से ही यानी अंग्रेजों ने रेल जो बनाई थी, छोटी रेल जो है वो कपास लेके जाने के लिए बनाई थी. अच्छा. जो हमारी शकुंतला है सबसे पहले, तो इस एरिया में कपास सबसे ज्यादा है. और हम चाहते हैं कि जो यवतमाल में जो सेंटर है, वो सेंटर हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर है, और जालना का जो सेंटर है वो 200 किलोमीटर के करीब है. तो हम चाहते हैं कि ये एरिया में मूर्तिजापुर, अकोला या दरियापुर साइड या अमरावती, यहाँ पे यदि आपका डिलीवरी सेंटर यदि आपको आप हमें बना के देते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो फार्मर्स है मैक्सिमम ये जो लॉट है वहां पे डिलीवर करने में इच्छुक रहेगा. हाँ. और दूसरा मुझे आपसे एक सर से मैं गाइडलाइन दूंगा. हम लोग देखो कि इसमें हम लोग 1% 2% हम लोग यदि क्वालिटी कवर करते, ये क्या 2% हम लोग उसमें ऑलरेडी बढ़ेगा उसमें. क्वालिटी में मॉइस्चर हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ट्रैश फ्री हम नहीं दे सकते. और MTM जो आपने बताया है, तो उसको हम लोग ट्रैश फ्री कैसा करें और उसको और कम कैसा कर सकते, तो उसकी टेक्निकल सपोर्ट भी हमें सर के साथ में बात करके हमें लेनी पड़ेंगे, या तो फिर आप भी हमें गाइडेंस कर सकते हैं. हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर. आप एक चाहो तो ट्रेडिंग आप लाइक आप पहले शुरुआत में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करके देख लीजिए कैसे होता है. कि भाई जो काम का हमें एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, तो वो काम में खुद हाथ डाल के सीखना पड़ता है. जैसे अभी एक साइकिल सीखनी रहती है, तो साइकिल पे बैठ के साइकिल चला के साइकिल सीख सकते हैं. ठीक है, स्क्रीन पे कोई सिखाएगा आपको साइकिल ऐसे होता है, आप सीख ही नहीं पाएंगे. नहीं, ये भी ऐसा ही है कि आपको खुद एक्चुअली ट्रांजेक्शन करना रहेगा, फिर सामने सामने आपको बेनिफिट्स दिखते जाएंगे कि जो बेनिफिट्स मैंने बताया आपको मिल रहे हैं कि नहीं रहे, वो सामने सामने आपको वन बाय वन बेनिफिट्स आपको दिखते रहेंगे. ऐसे होता है. सही बात. नहीं, आपने तो बेनिफिट दिखा है, तो हमने कैलकुलेशन किया है कि एक लॉट के ऊपर हमारे 12 से 15 हजार रुपए हमारे 100% बचने वाले, तो वो हमारी कमाई हो गई आज के डेट में. बिल्कुल. अनिल जी रंगवानी एंड श्रद्धा जी खंडेलवाल, बहुत बहुत आभार आपका. बहुत ही पेशेंस से आपने इस मैटर को समझाया. आप जानते हैं कि सामने सुनने वाले किसान हैं और उनका अटेंशन स्पैन थोड़ा लिमिटेड होता है इन मामलों में. वो सोचते हैं कि अपने को क्या लेना देना, ये फ्यूचर ट्रेड तो बड़े लोगों की बातें हैं, जो बड़ी ऑफिसों में बैठते हैं वो लोग करते हैं. पर तो भी ये सब जानते हुए समझते हुए भी आपने बहुत ही पेशेंस से जिस तरह समझाया और बहुत जितनी सिंप्लिसिटी के साथ समझाया है, बहुत बहुत आभार आपका. और हर वेबिनार में आप इसी तरह पूरा एंथुसियाज्म के साथ हमारे FPO को समझाते रहिए. आप देखेंगे बहुत जल्द ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लास्ट वेबिनार सीरीज और इस सीरीज में जो आपने देखा है, आपने भी मार्क किया होगा. यस. कि क्यूरियोसिटी बड़ी है, अवेयरनेस बड़ी है और पॉजिटिविटी बड़ी है. लोग समझने लगे हैं कि BSE का फ्यूचर्स के साथ में क्या लेना देना है, क्यों है, कपास के फ्यूचर में हमारे लिए उम्मीद क्या है और इसमें हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखती है और क्यों जहाँ जहाँ हमें रिस्क होता है वहाँ BSE ये बातें करता है, यहाँ संभालिए वहाँ संभालिए. तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट की जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि अभी दाव बड़ा होने वाला है, अभी खेल बड़ा होने वाला है. अभी हजारों में से लाखों में
लाखों रुपए के बिजनेस में जाने वाले हैं और कल उठ के लाखों रुपए से करोड़ों के बिजनेस में जाने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी। सुधीर भाऊ आपल्याला हे जाणू सांगू इच्छितो की महत्वाची जी गोष्ट आहे तीन चार जे तुम्ही सांगितलं मी एक सिंप्लीफाईड तुम्हाला सांगतो की तुम्ही सिग्नल मध्ये कन्वर्ट करा। हम जब बाइक चलाते हैं गाड़ी चलाते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिग्नल के ऊपर रहता है, कौन सा ग्रीन सिग्नल है, कौन सा येलो है, कौन सा रेड है। हमारा ट्रेनिंग सेशन भी आपके लिए उसी तरह होगा, सिग्नल्स के ऊपर होगा। जहां जहां रिस्क है वो रेड सिग्नल है, जहां जहां आपको कॉन्ट्रैक्ट में डिस्काउंट दिखता है वो समझिए आपके लिए रेड सिग्नल, उससे दूर रहना है, किसी भी हालत में बच के रहना है या उसको कम से कम येलो सिग्नल तक कन्वर्ट करना है कि थोड़ा बहुत कटौती भी हो तो इतनी लिमिट में हो कि अपने को नुकसान ना हो। और जहां जहां डिस्काउंट मिलते हैं वो मतलब जहां जहां प्रीमियम मिलते हैं वो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, उसकी तरफ आंख बंद करके दौड़ना है। लेंथ में आपके लिए प्रीमियम है, ग्रेड में आपके लिए प्रीमियम है, ये सब चीजें आपको बहुत काम आने वाली हैं क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट 29 मिलीमीटर का है और आपके क्षेत्र में जो कपास आता है पहली और दूसरी बेचनी में वो 30 मिलीमीटर का आता है। तो 1 मिलीमीटर का पूरा प्रीमियम लेने का आपको अवसर है यहाँ पे। और डिस्काउंट जो है ये हम कॉटन गुरु आपके साथ में बैठ के आपके हार्वेस्टिंग के टाइम पे, आपके स्टोरेज के टाइम पे आपसे मेहनत करके और जिनिंग में उसको निकलवा के हम किसी भी डिस्काउंट के जाल में ना फंसे, ये हमारी पूरी कोशिश आपकी तरफ है। तो बहुत अच्छे प्रश्न थे आपके एंड बहुत सेंटर के लिए भी मैं खुद BSE से आपने जो हमने पूरा लिस्ट भेजा है आपके FPO का, आपके आसपास का भी FPO का लिस्ट भेजिए, तो ये प्रेजेंटेशन हम BSE को देंगे कि ये क्षेत्र इतना कॉटन रिच है कि आपने इधर अगर BSE का सेंटर भी बनाया तो आपको गांठों की कमी कभी भी नहीं होगी, है ना। तो बहुत ही अच्छा वार्तालाप रहा है। और एक और बात आपको बता दूं, जो लास्ट वेबिनार के समय पे हम आपको दिखा रहे थे कि गुरुई की गांठों का भाव 16,000 रुपया पर बेल था, और मैंने तब भी बताया था अगर बहुत लोगों को ध्यान हो तो अक्टूबर के भाव भी ज्यादा बढ़ते हुए नहीं बता रहे पर दिसंबर के भाव 17,000 रुपये तक बता रहे थे, मतलब मार्केट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो आज जो 16,000 रुपये पर प्रति बेल के भाव थे वो आज 18,000 रुपये पहुंच चुके हैं, बाजार बढ़ चुका है 10% से रुई का बाजार। और ये बाजार इमीडिएटली तो अभी कम होता नहीं लग रहा है क्योंकि आगे की सीजन में ज्यादातर खरीदी सरकार के पास रहेगी हमी भाव में MSP के ऊपर, तो प्राइवेट ट्रेडर के ऊपर के पास बेचने के लिए ज्यादा रुई नहीं होने वाली है। और फॉरेन में भी मार्केट बढ़ रहा है तो ये उम्मीदें किसान के लिए और भी हैं कि कल हमी भाव के आसपास अगर मार्केट भाव पहुंच जाता है तो आपके लिए खासगी खरीदीदार प्राइवेट ट्रेडर को बेचने के लिए भी ऑप्शन बहुत ओपन हो जाएंगे। और BSE सिर्फ 100 रुपए में 1 करोड़ रुपए का व्यापार का आपको अवसर देता है इतने सारे FPOs के बेनिफिट्स के साथ में, ये हमें भूलना नहीं चाहिए।